नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन और मैं हूं आपके साथ पंडित प्रेम सागर पांडे। आज बात करेंगे हम आज के राशिफल के बारे में, यानी कि 6 अगस्त 2019 के राशिफल के बारे में। मैं बताऊंगा कि आपको कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, आपके सितारे भी क्या कहते हैं, आपका कैसा चलेगा व्यापार और कैसे मिलेगी आपकी कैरियर को उड़ान, साथ ही किसे मिलना है धन की अपार। तो चलते हैं बताते हैं आज आपके राशिफल के बारे में और प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो जातक हैं, वो अगर आप पिछले कुछ वक्त से जो है झुंझलाहट महसूस कर रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि सही कर्म और सही विचार आज आपके लिए बहुप्रतीक्षित राहत लेकर आएंगे। जेवर और एंटिक में निवेश फायदेमंद आपका साबित हो सकता है और यह समृद्धि भी लेकर आएगा। रिश्तेदारों की आज छोटी यात्रा आपके भाग दौड़ भरे दिन में आराम और सुकून देने वाला साबित होगा। आपके प्रिय और जीवन साथी जो है ना, फोन आपका दिन बना सकता है। आप किसी प्रकार के अनुष्ठान कर्मकांड पूजा आदि का आयोजन घर में आप कर सकते हैं। आज के दिन जो आपके जीवन साथी का जो है ना गहरी आत्मीयता पूर्ण बातें करने का सही समय है। संभव है कि परिवार के साथ किसी नजदीकी रिश्तेदारों से मिलने जाना भी हो सकता है और इसके लिए दिन भी ठीक है। हालांकि किसी पुरानी घटना को जिक्र करने से थोड़ा सा बचे, नहीं तो वातावरण में थोड़ा सा तनाव भी पैदा हो सकता है। आपका शुभ रंग क्रीम है और भाग्यांश 2 है। अब आते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि वाले थोड़ा तनाव से बचने के लिए अपने कीमती वक्त के साथ बच्चों के साथ गुजारे। आप बच्चों का उपचार करने की शक्ति महसूस करेंगे। वे आध्यात्मिक तौर पर धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर और भावनात्मक लोग हैं। उनके साथ आप खुद को ऊर्जा से लबरेज पाएंगे। आपकी मनोकामनाएं दुआओं के जरिए पूर्ण होगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा और साथ ही पिछले दिनों की मेहनत भी रंग लाएगी। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताजा करने का दिन है। आपको उदार और स्नेह से भरे प्यार का तोहफा भी मिल सकता है। व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है। व्यवसाय के लिए अचानक की गई यात्रा भी सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। आज आपके इस पास लोगों से मिलने जुलने का जो शौक पूरा करने की पर्याप्त खाली भी वक्त है। क्या आपको लगता है कि शादी महज समझौता का नाम है? अगर हाँ तो आप आज हकीकत आपके जीवन में सबसे अच्छी घटना की तरह से आपको दिखेगी। आपका शुभ रंग क्रीम है और भाग्यांश 2 है। अभी क्षमा करेंगे, वृक्ष राशि का मैंने कहना जो भूल गया था, वृक्ष राशि का राशिफल बतलाना भूल गया था। वृक्ष राशि के राशिफल आप देखें दोस्तों, आपका परिचय किसी खास इंसान से कराएंगे जो आपकी सोच पर गहरा प्रभाव डालेगा। माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। किसी धार्मिक स्थल या संबंधी के यहाँ जाना भी संभव दिखता है। अपने प्रिय की पुरानी बातों को माफ करके आप अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने सामान की अतिरिक्त सुरक्षा करने की जरूरत है। आपको और आपके जीवन साथी को कोई बहुत सुखद खबर सुनने को मिल सकती है। पूरा दिन बैठकर उबाऊ के बजाय आप है ना ब्लॉगिंग करें, कोई रोचक किताब पढ़ें, है ना किसी प्रकार के मनोरंजन का साधन ढूंढे। आपका शुभ रंग हरा है और भाग्यांश 6 है। तो चलिए आते हैं अपने कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि वाले जो जातक हैं, थोड़ा सा विश्राम आप करें, आराम करें। काम के बीच बीच में जितना हो सके उतना थोड़ा आराम करने का प्रयास करते रहें। आज का दिन ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिसकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। पारिवारिक सदस्य या जीवन साथी तनाव की वजह भी थोड़ा बन सकते हैं। आपके जीवन साथी के पारिवारिक सदस्यों की वजह से ही आपका दिन थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। आप
देना, आपकी कड़ी मेहनत और कार्य क्षेत्र जरूर रंग दिखाएगी। किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान अनुष्ठान आदि करने का भी घर में थोड़ा सा आयोजन आप भी बना सकते हैं। लोगों की दखल अंदाजी जो है वो आपके थोड़ा वैवाहिक जीवन में थोड़ा परेशानी खड़ी करती दिख रही है। आपका शुभ रंग उजला है, भाग्यांश 3 है। ठीक है, अब आते हैं अपने लोग सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि वाले जो जातक हैं, आज कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का दबाव और घर में अनबन के चलते आपको थोड़ा सा तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जो काम में आपकी एकाग्रता को भी भंग करेगा। खास लोग ऐसी किसी योजना में रुपया लगाने के लिए तैयार होंगे जिससे संभावना नजर आए और विशेष हो। नाती पुतों के साथ काफी खुशी मिल सकती है। प्यार का बुखार आज आपके सिर चढ़ने के लिए तैयार है, इसका अनुभव कीजिए। अगर आप किए गए निवेश को काफी फायदेमंद आपके जो साबित जो दिख रहे हैं, लेकिन आपकी भागीदारियों से थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ सकता है। जल्दबाजी में फैसला न करें ताकि जिंदगी में आगे चलकर पछताना पड़े। साधु शादीशुदा जो जिंदगी के नजरिए से यह दिन शानदार आप दिख रहा है। आपका शुभ रंग उजला है और भाग्यांश 7 है। तो अब आते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि वाले जो जातक हैं, अपने कन्या राशि वाले अपने जीवन की चिरस्थाई को न माने और जीवन के प्रति सजगता को थोड़ा सा अपनाएं। रिक्स लेने से थोड़ा बच्चे, लंबे समय से अटके हुए मुआवजे और कर्ज आदि आखिरकार आपको मिल जाएंगे। जिससे आप प्यार करते हैं उनसे आज सारी गलतफहमियां भी दूर हो सकती है। आपके प्रिय के साथ कुछ मतभेद भी उभर कर आ सकते हैं। साथ ही अपने साथी को अपना नजरिया समझाने में भी तकलीफ महसूस होगी। अन्य दिनों की अपेक्षा आज आपके सहकर्मी आपको अधिक समझने की कोशिश करेगा। आज का दिन फायदेमंद साबित होगा क्योंकि ऐसा लगता है कि चीजें आपके पक्ष में जाएगी और आप जो है हर काम में अव्वल रहेंगे। आपके जीवन साथी के साथ एक आनंददायक दिन बीतेगा। आपका शुभ रंग पीला है और भाग्यांश 9 है। आते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि वाले जो जातक हैं, सफलता के करीब होने के बावजूद भी आपकी ऊर्जा का स्तर गिरावट में दिख रही है। आज आपका सामना कई नई आर्थिक योजनाओं से होगा। कोई भी फैसला करने से पहले आप अच्छाइयों और कमियों पर सावधानी से गौर फरमाएं। उस रिश्तेदारों को देखने जाए जिनकी तबीयत काफी समय से खराब चल रही है। जिंदगी में एक नया मोड़ आ सकता है जो कि प्यार और रोमांस को भी नई दिशा दे रही है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सभी जरूरी दस्तावेज आदि जो है उसको साथ आप रखें। ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी आज आपके ऊपर खास ध्यान देने वाला है। सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा वक्त ना गुजारें, केवल समय की यह बर्बादी है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी अच्छा नहीं है। आपका शुभ रंग क्रीम है और भाग्यांश 2 है। तो चलते हैं आप वृश्चिक राशि की तरफ भी। वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं, आज आपका खुद को सुकून और जिंदगी का लुफ्त उठाने के लिए यह सही मनोदशा में आप खुद अपने आप को पाएंगे। दूसरे को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा थोड़ा सा खर्च करने से बचें। पारिवारिक मोर्चे पर चीजों को अच्छी रहेगी आपके और आपकी योजनाओं के लिए अगर आप पूरे सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। आज अपने प्रिय से दूर होने का भी दुख थोड़ा सा टीस जो है आपको देता रहेगा। सफ गोई से अपने मन की बातें कहने से न घबराए। वैवाहिक जीवन में कठिन दौर गुजरने के बाद आपको अब कुछ राहत का एहसास दिलाने जा रहा है। यह दिन दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शॉपिंग पर जाने का भी है। बस अपने खर्चों पर थोड़ा सा नजर रखना होगा। आपका शुभ रंग पीला है और भाग्यांश 9 है। अब आते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि वाले जो जातक हैं, जो व्यक्ति हैं, तनाव को नजरअंदाज न करें। यह तंबाकू और शराब की तरह से ही खतरनाक महामारी है जो तेजी से पांव पसार रही है। अटके हुए मामले और घने होंगे व खर्चे आपके दिमाग पर छा जाएंगे। समस्याओं को दिमाग से बाहर खरीद दे और घर और दोस्तों के बीच अपनी स्थिति सुधारने के बारे में सोचे।
प्रेम का आप जो है महसूस करने के लिए आप किसी नए व्यक्ति से भी मिल सकते हैं। दफ्तर में शनि का माहौल बनेगा, मौज मस्ती के लिए घूमना संतोषजनक भी हो सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका जीवन साथी प्यार के सारे दुख दर्द भूल ला दे रहा है। आज आपके साथ आपका शुभ रंग पीला है और भाग्यांश 9 है। आते हैं मकर राशि की तरफ। अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क जीवन का द्वार है, क्योंकि अच्छा बुरा सब इसी के माध्यम से आता है। यही जिंदगी की समस्याओं को दूर करने में सहायक भी सिद्ध होता है और सही सोच से इंसान को अलौकिक करता है। बोलते समय, वित्तीय लेन देन करते समय सावधानी थोड़ी बरतने की आपकी जरूरत है। किसी धार्मिक स्थल या संबंधी के यहां जाने की भी संभावना दिख रही है। अचानक मिला हुआ कोई सुखद संदेश नींद में आपको मीठे सपने भी दे सकता है। वरिष्ठों से आपके पदोन्नति या लंबे वक्त से लटके हुए काम जो है आज फिर होते हुए दिख रहे हैं, या तोहफा के रूप में भी आपको मिल सकता है। दूसरे को यह बताने से ज्यादा उतावले न हो कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको और आपके जीवन साथी को कोई बहुत सुखद खबर सुनने को जो आज मिलती दिख रही है, आपका शुभ रंग नीला है और भाग्यांश 1 है। चलते हैं कुंभ राशि की तरफ भी। कुंभ राशि वाले जो जातक हैं, वो मनोवैज्ञानिक डर आपको बेचैन कर सकता है। सकारात्मक सोच का और हालात जो है कि उजले पहलू को आपको देखना होगा और इससे आप बच सकते हैं। कुछ खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास हैं। दोस्तों के साथ शाम बेहद मजेदार और हंसी खुशी से भरपूर रहेगी। आपकी थकी और उदासी जिंदगी आपके जीवन साथी को थोड़ा तनाव दे सकती है। आप महसूस करेंगे कि आपके परिवार का सहयोगी ही कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे प्रदर्शन के लिए भी जिम्मेवार है। आज कुछ दिन ऐसा दिन वह जो सब चीजों उसी तरह से नहीं होगी जैसा कि आप चाहते हैं। आपके जीवन साथी की बेरुखी थोड़ा है ना दिन को जैसा उदास कर सकता है। आपका शुभ रंग क्रीम है और भाग्यांश 4 है। चलते हैं अंत में मीन राशि की तरफ भी। मीन राशि वाले जो हैं, आज अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की थोड़ी सी कोशिश करने का प्रयास करें, है ना। जिन्हें आप वाकई पसंद करते हैं, सट्टेबाजी से फायदा हो सकता है। आज आपके यहाँ भी, आज जहाँ भी जाएंगे लोगों के बीच है, आप सबके ध्यान का केंद्र भी बनेंगे। अचानक हुई रोमांटिक मुलाकात आपके लिए उलझन पैदा कर सकती है। अगर आपका साथी अपना वादा ना निभाए तो बुरा महसूस न करे। आपको बैठकर बातचीत करने के जरिए मामले सुलझाने की आज जरूरत हो सकती है। आज लोगों आपकी प्रशंसा करेंगे, जिसे आप हमेशा सुनना भी चाहते हैं। अगर आप एक अच्छे बेहतरीन जीवन साथी होने की खुशकिस्मती को शिद्दत से महसूस कर पाएंगे। आपका शुभ रंग लाल है और भाग्यांश 6 है। तो ये रही आज की 12 राशियों का राशिफल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।